अभी जंगल जा रहे हैं एक डॉग के रेस्क्यू के लिए, हमें कॉल आया है, उसकी आंख भी निकली हुई है, एक टांग भी कटी हुई है। जीवन जी ने हमें इसके लिए कॉल किया था, वो लोग केयर टेकिंग करते हैं वहाँ पे इसकी। किसी ने मारा वारा नहीं है शायद इसे, किसी जानवर का काम है ये, इसका ये आगे का पंजा भी पूरा खाली है उस साइड से। ये डॉग को हमने अभी सेडेट किया हुआ है ताकि हम आराम से उसके आई का चेकअप कर सके कि इतना डीप उसका इन्फेक्शन हो सकता है। आंख लगभग निकल चुकी है, इसको ऑपरेट करना होगा हमको। इसके पैर में भी फ्रंट लेग में एक छोटा सा घाव है, आगे की तरफ हड्डी दिख रही है जहाँ पे शायद, तो सर एक बार प्रॉपरली डायग्नोस कर लें और उसके बाद हम बताते हैं फिर आगे। मैं हो सकता है कल ना जाऊँ वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से। आप स्पीति जा रहे थे फिर से? जैसे पिछली बार तो हमने प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट करी और हमारा सॉल्यूशन, अब हमने तीन चीजें डॉक्यूमेंट करनी थी कि जहाँ पे हम फीडिंग कर रहे हैं वहाँ पे डॉग्स का क्या हाल है, जहाँ पे फीडिंग नहीं हो रही वहाँ पे डॉग्स का क्या हाल है। एक तो कंपेरिजन, सेकेंड ये कि जो लोग फीडर हैं, अब वो तो फीडर सिर्फ इसलिए है ना कि उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, डॉग लवर्स नहीं है, पर क्या उनके अंदर कुछ फर्क आया? क्योंकि उनमें से एक ने मुझे कहा कि ये डॉग की आंख में प्रॉब्लम है, तो अब उनके अंदर जहाँ तक मुझे लग रहा है एक कंसर्न डेवलप हो रहा है। थर्ड ये देखना था कि जो आसपास के लोग हैं जिनको अभी तक लगता था कि डॉग्स न्यूसेंस है, इन्हें उठा के पहाड़ से फेंक दो, कचरे में फेंक दो, उनका रवैया क्या बदला है? क्योंकि अब लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई ये तो डॉग्स को कोई खाना खिला रहा है, तो सोशल इम्पैक्ट क्या है? सोनम जी आज आए हैं डोलमा को लेके। तो डोलमा आई थी हमारे पास 1st of January को, जब उसके और उसकी दूसरी उनकी पेट डॉग है उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, जारी की आग बाहर आ गई थी उसके वजह से, तो उसकी सर्जरी हुई थी 2nd को, और आज वो आए हैं उसके सूचर्स निकालने के लिए, एंड शी इज डूइंग मच बेटर, दिख रही है अच्छी। पापा पिछली बार 3 वो आए थे ना आई केसेस? हाँ, एक नहीं बचा था, एक हाँ, और एक यहीं पे है अभी। हाँ जी, उसकी सर्जरी की हमने इस हफ्ते, सर्जरी सक्सेसफुल रही, अभी उसका रेगुलर एंटीबायोटिक और पेन किलर चल रहा है। अब की बार अब आपके इसी तरह 4 वायर ट्रैप। सुबह सबसे पहले हमने मो का वायर ट्रैप जो उसको पैर में लगा था वो ही निकाला है, बहुत जल्दी उसको हमने देख लिया था और इसलिए घाव नहीं बना, और वायर ट्रैप निकालने की वजह से अभी उसको कोई इशू भी नहीं है। उसके बाद हम निकले गरोह की तरफ, अरमान का कॉल आया था जो पहले 2 बार हम जिसके लिए जा चुके हैं ऑलरेडी। इधर तो गई नहीं है ना, इधर को घुसी अंदर से, अब तो नहीं आती हाथ में। इसकी तार जो है ना, ट्रैप जो है वो अंदर पूरा अंदर ही है, वो दस्ती जा रही है, उसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा। जंगल जंगल है यहाँ पे, तो वो मिक्स हो जा रहे, दिखती नहीं है, मतलब प्रॉपर उसको कैच करने के लिए ना हम लोकेट नहीं कर पाते हैं उसको। तो इस बार हम वहाँ पे टैबलेट दे के आए हैं कि उसको थोड़ा सा टैबलेट, कौन सी टैबलेट, अगर हम खाने में डाल के दे दें तो थोड़ा वो जैसे सिडेट हो जाए या थोड़ा सा डिजीनेस रहे, है ना। ट्रेजिडोन पड़ी है हमारे पास, उसका वेट हम अप्रोक्सीमेट वेट देख के उस हिसाब से खाने में दे देंगे। ठीक है सर। वो आंटी जैसे आज हमें कॉल करेंगी एक बार मिल जाता है, तो उसके बाद सारे लोग निकले जमानाबाद की तरफ जहाँ से ये केस भी पुराना ही था, डॉग पहले भाग गया था, पंजा उसमें फंसा। ये कौन सा वाला ट्रैप था, जो लोहे वाला या लोहे वाला? तो वो हाथ में तो आया नहीं, पर उसका पांव नीचे टकराया और ये गिर गया, मतलब पांव के साथ ही निकल आया। तो अब क्या है, बहुत दिन होने की वजह से पंजा तो उसका निकल गया, लेकिन इतना है कि डॉग के लिए हम लोगों ने वहाँ एंटीबायोटिक वहाँ दे दिए, पेन किलर्स दे दिए, वो लोग केयर टेकिंग अच्छे से करते हैं। आए फिर तुरंत निकले जसूर के लिए, जहाँ पे भी एक वायर ट्रैप का ही केस था, लेकिन ये था किसी ने वायर बांध रखी थी ना, ये दूसरी वायर थी, स्टील वाली वायर थी, 3-4 राउंड ऐसे गले में बांध रखे थे, एक हुक भी बनाया था, पता नहीं शायद किसी ने साहिल का कहना है किसी ने पट्टा बनाया। हाँ, तो क्या वो अब वो किसी चीज़ में फंसा होगा, उसकी वजह से टाइट हो गया, अब अंदर हो गया, घाव भी अच्छा गहरा बन चुका था, वो डॉग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, उसको पकड़ना भी मुश्किल पड़ा, और फिर उसका वायर कट तो कर दिया लेकिन साहिल के पैर में थोड़ा बाइट हो गया, बहुत एक्टिव डॉग थी उसको, उसने काट लिया, तो अब साहिल एंटी रेबीज लगवाएगा, लगवा के आ गया वो कल ही, तब उसका कोर्स पूरा चलेगा ना, 5 इंजेक्शन का प्री एक्सपोजर लग चुका है, तो अभी एक बार 3 तो लगवाने ही पड़ेंगे उसको। क्योंकि मुझे ये बताया कि प्री एक्सपोजर लगाओ तब भी आपको अगर डॉग बाइट होता है तो आपको 5 का कोर्स तो पूरा करना होगा, अनलेस आपका पेट डॉग है और आपको दिख जाता है कि हाँ भाई इसको कोई सिम्टम नहीं आ रहे। हाँ, प्री एक्सपोजर का ये फायदा है कि आप सीरम अवॉइड कर सकते हैं, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर। रिफ्लेक्टिव कॉलर लेके आओ, इसको रिलीज कर। हाँ, वैसे इसको हम सिर्फ स्पेस सर्जरी के लिए यहाँ से लाए थे, क्योंकि हमने टारगेट किया था कि हम चंबी वाला एरिया जहाँ लोग मोस्टली अपने डॉग्स को अबैंडन करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पास में एक रेस्क्यू शेल्टर है, सो हमने वहाँ की फीमेल डॉग्स को एक एक करके अभी कैच करना शुरू किया था स्पेस सर्जरी के लिए। जैसी इसकी हरकतें हैं, क्योंकि अभी फेंस से ऊपर चढ़ के
जंप करके भागने वाली थी, तो वो ठीक है भाग जाती, लेकिन अगर ऐसे में अपने आप को चोट पहुंचा लेगी तो दिक्कत बढ़ सकती है इसके लिए भी और हमारे लिए भी, इसलिए हम इसको अभी रिलीज़ कर रहे हैं चमड़े में। हमने इसके पहले जो सर्जरी की थी हर्निया के हीलिंग के टाइम पे अंदर फिर से एक बार उसको चोट लगी, इसके फ्यूचर अंदर से ओपन हुआ और वो हर्निएशन फिर से शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमें इसकी दोबारा सर्जरी करनी थी, लेकिन मौसम की वजह से हम सर्जरी कर नहीं पा रहे थे, तो अभी जब थोड़ा सा मौसम खुला है आज हम इसकी सर्जरी कर रहे हैं। पिछली बार जो सूचर नीचे लगाया गया था, इस बार वही प्रॉब्लम ना आए, प्रेशर ना पड़े उस चीज़ पे, इसलिए हम साइड से इस बार इसका सूचरिंग करने वाले हैं। तो आपने बैंडेजिंग तो कर ही रखी है, इसकी पहले वाली सूचरिंग अभी हील नहीं हुई है। इसका पहले वाला सूचरिंग हील है बाहर की, तो जब हीलिंग प्रोसेस चली हुई थी मुश्किल से 5-6 दिन हुए थे ये गिर गई, और एक बार नहीं गिरी काफी बार गिरी, जो आपको भी ये तो खुद शरारती है ना। हाँ, ये खुरली में खुरली से टांग जाती है, जंप मार देती है। जब हम एक बार सर्जरी कर देते हैं हर्निया की और री हर्निएशन होती है, तो दोबारा जो हम सूचरिंग करते हैं उसका टिकना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम इस बार मैश यूज कर रहे हैं, जैसे कि वायर मैश। हाँ, पतले, उसका पोर साइज काफ़ी कम होता है, तो वो हम यूज़ करेंगे ताकि अगर ये गिरे भी तो कम से कम नुकसान। तो एक एडिशनल आप सपोर्ट दे दोगे? एडिशनल सपोर्ट दे देंगे। ये जो हमारे पास 3 दिन पहले केस आया था चंबी से, जिसका एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, अभी हम इसको चंबी में वापस रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं रह पाता और कंटिन्यूस केज पे रखने से लगातार रोता है ना, रात में भी ये सोता नहीं अकेले, और किसी को टच भी नहीं करने देता है, तो दोनों चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। अब वहाँ पे उसकी मदर है, उसके सिबलिंग्स है, तो उनके साथ भी शायद थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, और हम श्योरिटी के लिए आते जाते हैं उस पर नज़र रखते रहेंगे। बाकी फिलहाल तो इसको कोई भी वूंड या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। चाहे बारिश हो या आंधी आए, हमारे एक भाई साहब है फार्म पे जिनका मूड हमेशा अच्छा रहता है, खुशनुमा रहता है, और वो है अनिरुद्ध भाई साहब। अनिरुद्ध जी के पास एक न्यूज़ है आपको बताने के लिए। कोविड की थर्ड लहर की वजह से हमारा विजिटर और वॉलंटियर प्रोग्राम टेम्परेली सस्पेंडेड है। अपडेट्स के लिए हमारी मेन वेबसाइट peoplefarm.org प्लीज चेक करते रहिए। अभी कौन रिलीज हो रही होती? जो डॉग हमने सनोरा से रेस्क्यू किया था, जिसको कैंसर का इशू था, उसके पूरी बॉडी में जो लम्स थे वो अभी सारे लम्स रिड्यूस हो गए हैं काफी, इसका हालत पहले से बहुत बेटर है, और इसका जो वीक में एक बार इंजेक्शन लगना होता है विनक्रिस्टीन, जो कैंसर या ट्यूमर के लिए यूज होता है, वो वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि जो इसके केयर टेकर हैं वो उसका ध्यान रखने को तैयार हैं, तो हम इसे वापस छोड़ने जा रहे हैं ताकि हम और स्प्रे या रेस्क्यू ले सकें। वो जो कल केस आया था छोटा पपी जो आया था हमारा, इसको अनिल जी लपियाना से लेकर आए हैं। इसके दोनों फ्रंट लेग पे इंजरी है, दोनों लेग्स में फ्रैक्चर भी है, तो उसका अभी हमने फिर चेकअप किया ना, तो अभी ये फाइनल हुआ है कि उसके एक पैर की तो स्प्लिंटिंग हो सकती है, एंड जो दूसरा पैर का एम्पुटेशन ही करना होगा हमें। ये हमारा जो मीडिया ऑफिस है ना, अरे यार ये रास्ते में क्या रखा है तुमने रवीना? अरे उसको हाथ में लगाया, सामान है। तो तुम ये फर्स्ट एड किट का करती क्या हो? काफ़ी लोग हमारे से ऑर्डर करते हैं, इसमें है टॉपिकर स्प्रे, जो अगर आपको किसी एनिमल को चोट लगे हो आपके पास नहीं है तो आप दूर से स्प्रे कर सकते हो, बीटाडीन सॉल्यूशन जिससे वूंड साफ होता है, मैगसाइट जिससे मैगट्स मरते हैं, देन वी हैव सम पेन किलर्स, कॉटन गॉज, ट्वीजर्स। फाइनली जब हम लोग खुश हुए थे कि बेब का रिकवरी हो रहा है, उसका बाल आ रहा है, अभी थोड़ी सी एक नई प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसके साथ, देखते हैं चेक कर लें एक बार सर, उसके बाद ही कुछ समझ पाएंगे कि क्या हुआ है। तुमको सही से रहना नहीं है? टिकली जो कल्पना मैम के यहाँ फॉस्टर किन इन्फेक्शन था उसको थोड़ा बहुत आंटी ने हमें उस टाइम बताया था, तब हमारे पास भी जगह नहीं थी, पार्वो केसेस थे, तो आंटी उसको तब से अभी तक अराउंड 8-9 मंथ्स हो गए हैं वो फॉस्टर कर रही हैं, लेकिन फाइनली अभी हम उसको स्पेस सर्जरी के लिए यहाँ पे बुलवा रहे हैं। हमने अडॉप्शन की भी ट्राई की थी बट पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो अभी हम जब उसको यहाँ लेके आएंगे तब हम कोशिश करेंगे कि उसके रेगुलर अपडेट्स लोगों तक पहुँचे और फिर शायद कोई उसको अच्छा घर मिल जाए। क्या आज जाना है ना ये वीडियो? तुम पहले अपना बताओ, तुम कहाँ से आए? अरे हाय, मैं गुरु हूँ, मैसूर से आया हूँ कर्नाटक, क्या मीडिया टीम के लिए ज्वाइन? पहली बार आएगा? नहीं नहीं, ये दूसरी बार है। गुरु ने और तुषार ने हमारा सारा मीडिया जो है शुरू कराया था। रेस्क्यू पे जा रहे हैं? नहीं रेस्क्यू पे नहीं जा रहे हैं, हम गूगल को रिलीज करने जा रहे हैं, उसकी सर्जरी अभी नहीं हो सकती ना, तो जब तक पालमपुर से हमको डेट नहीं मिलती है अगली, और अभी तो कोविड की वजह से शायद चांसेस कम ही हैं, तो उसके केयर टेकर है वहाँ पे, जो सिरप्स हम उसको यहाँ प्रोवाइड करते हैं वो उसको वहाँ टाइम से मिल जाएगी, और हम उसकी जगह कोई एक इमरजेंसी केस ले पाएंगे, इसलिए हम उसको अभी वापस वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। मेरे साथ हमारी आर्किटेक्ट प्रिया है, और प्रिया जी का मूड थोड़ा सा ऑफ है क्योंकि साइट पे काम 4 दिन से 5, आज 5वां दिन है जब से काम बंद है,
क्योंकि एक तो इतनी ठंड है, उस पर इतनी बारिश हो रही है। ठंड तो चलो अलग बात है, ठंड में भी काम किया जा सकता है, लेकिन जो बारिश हो रही है उसकी वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, इसलिए हम सारे थोड़ा सा डाउन मूड में है। वी आर होपिंग कि ये जल्दी से जल्दी बारिश वाला टाइम निकल जाए ताकि हमारे हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हो जाए। प्रिया यहाँ पे क्या है यार? यहाँ पे एक कोई पपी हमारे साइड पे छोड़ के गया था, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन्होंने इसके लिए ये छोटा सा रहने के लिए बनाया है। एकदम से पतला था और ऐसे हिल रहा था, फिर उसको हम खाने के दिए तो थोड़ी उसकी सेहत ठीक है। जिस तरह से ये लोग इस पपी की हेल्प कर रहे हैं, इस पपी के लिए घर बनाया है इन्होंने, इसे फीड कर रहे हैं, तो मुझे इससे एक बात तो समझ में आ गई कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो या आपका घर बहुत बड़ा हो, किसी की मदद करने के लिए आपका बस दिल बड़ा होना चाहिए।